हाय, मैं अनीता शर्मा और आपका स्वागत है F3 रेसिपीज में। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन पीस पराठा। ये बहुत हेल्दी और बहुत इजीली बन जाता है। बच्चों को टिफिन में सर्व कर सकते हैं और बच्चों को बहुत पसंद भी आएगा। मेरे बेटे का तो फेवरेट भी है। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। ये है ग्रीन पीस, इसे हमने मिक्सर में थोड़ा ब्लेंड कर लिया है। नमक, गरम मसाला, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गुथा हुआ आटा और वेजिटेबल ऑयल। तो सबसे पहले हम पराठे की फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पैन में थोड़ा तेल डालेंगे और पहले हम मसालों को थोड़ा भून लेंगे। हल्दी, लाल मिर्च, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च थोड़ा कम रखेंगे, गरम मसाला और आटे में हमने नमक गुथा नहीं है तो हम नमक थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा रखेंगे इसमें। मसाला थोड़ा पक जाए तो हम इसमें अपना ग्रीन पीस डाल लेंगे। इसे हम थोड़ी देर तक भूनेंगे ताकि ये पक जाए अच्छे से। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। और इसे 10 मिनट के लिए ढक देंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे मटर पक चुके हैं। तो हम इन्हें निकाल कर पैन में से ठंडा कर लेंगे। इसे हम ठंडा कर लेंगे और उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब हमारी फिलिंग ठंडी हो चुकी है, आइए पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। हम छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। भर लेंगे। इसे हम पहले हाथों से ही थोड़ा बड़ा कर लेंगे। इसको अच्छे से बेल लेंगे। हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो छोटा छोटा ही बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। तवा गर्म हो चुका है, हम अपने पराठे को उस पर डाल देंगे। अब हम पराठे पे तेल लगा लेंगे और इसे दूसरी तरफ पलट लेते हैं। तो इसमें घी भी लगा सकते हैं। तेल लगाकर वापस पराठे को दूसरी तरफ पलट लेंगे। दोनों तरफ पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। देखिए कितना इजी था ग्रीन पीस पराठा बनाना। इसे घर में जरूर ट्राई करें, देखिएगा बच्चों को बहुत पसंद आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने कमेंट भी ज़रूर शेयर करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।